हेलो दोस्तों, सभी किसान भाइयों का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और यहाँ पर देखिए, हमने पहले गोभी की फसल लगाई थी, आपने वो वीडियो देखी है, काफ़ी अच्छा प्यार दिया है। तो यहाँ पर देखिए, वो अभी फसल बड़ी हो चुकी है, तकरीबन 40 से 50 दिन की हो चुकी है और उसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी खरपतवार उग चुकी हैं। हालांकि जब रोपाई की सी हमने करी थी उसके बाद इसमें कभी निराई गुड़ाई नहीं की है, अभी 40-45 दिन हो गए हैं, सिर्फ इसको पानी पिलाया है। तो यहाँ पर पौधे अच्छी तरीके से अपने रूट्स बना लिए हैं, जो जड़ें हैं वो काफ़ी अच्छी हो चुके हैं, अच्छे पत्ते आ गए हैं नए, और अपना जो विकास है उन्होंने शुरू कर दिया है। जो यहाँ पर देखिए, फूल गोभी और पत्ता गोभी लगाई है, वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही हैं। तो अब इसमें अंदर आपको पहली निराई गुड़ाई करनी है। आप देख सकते हैं काफ़ी खरपतवार हैं, तो इसको आप मजदूर करके इसकी खरपतवार हटाने का कार्य, पहला कार्य शुरू करें, और जल्दी से करना है ताकि लंबा नहीं रखें प्रोग्राम, जिससे आपकी फसल में पानी की कमी हो सकती है। और साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि पत्तों में आप देख सकते हैं कि छेद हो रहे हैं, और पीछे की तरफ काले रंग के मच्छर होते हैं छोटे छोटे, वो मिलेंगे, और इस पर वो तना छेदक इल्ली होती हैं, वो लग सकती हैं। तो ये दो प्रमुख रोग हैं इसके, और इसकी आप निगरानी करें, और ऐसा हो रहा है तो आप इसके तुरंत दवाई का स्प्रे करें, और एक बार अपने कृषि विशेषज्ञ से जानकारी ले लें इसके ऊपर, आप कौन सी दवा कितना ml पानी के अंदर मिला के डाल स्प्रे करना है, या आपके जो पौधे हैं वो जड़ से सूख रहे हैं तो इसके अंदर भी आप ड्रेंचिंग कर सकते हैं, वो दवा भी साथ में आप मार्केट से ख़रीद के ला सकते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, आपको निराई गुड़ाई करने के बाद आपको इसके ऊपर स्प्रे करना है, और स्प्रे करने के बाद आपको तुरंत सिंचाई करनी है। सिंचाई में आप लेट नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि काफ़ी पौधे हैं जहाँ पर कीटों ने नुकसान पहुँचाया है, इन पत्तों का रस चूस लिया है और पत्तों में छेद हो गया है। तो हालांकि हमने इसके ऊपर दवाई का स्प्रे कर दिया है, और हमें जो सारे इंसेक्ट हैं वो पहले बहुत ज़्यादा थे इसके ऊपर, मच्छर वगैरह, अब इसमें समाप्त हो चुके हैं। यहाँ पर जो किसान महिलाएँ हैं इस तरीके से निराई गुड़ाई कर रही हैं। आप चाहें तो किसी जुगाड़ से खरपतवार हटा सकते हैं, या फिर आप ज़्यादा मजदूर करके खरपतवार हटा सकते हैं। हमने यहाँ पर सारे मजदूरों से हटा लिया है, बिल्कुल थोड़ा बचा है, तो अभी ये हटाने का कार्य चल रहा है। और जैसे ही खरपतवार इसकी निराई गुड़ाई करने के बाद तुरंत आपको इसके अंदर पानी छोड़ देना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, अभी आप देख सकते हैं 36 से 38 डिग्री टेम्परेचर है दिन का, तो आपको सिंचाई तुरंत करनी है। अगर जैसे निराई गुड़ाई करने के बाद आप इसको छोड़ते हो तो पत्ते मुरझा जाएंगे और लुका जाएगी आपकी जो फसल है, तो इसमें जैसे ही निराई गुड़ाई होए तो आप इसमें तुरंत पानी पिला दें, और इसमें अभी कोई उर्वरक नहीं देना है, सिर्फ आपको सिंचाई करनी है। और सिंचाई हो सके तो मॉर्निंग या इवनिंग के समय करें, सुबह और शाम के समय। दिन में काफ़ी धूप रहती है, जो मिट्टी है वो गर्म हो जाती है, तो इसके संपर्क में जब पानी आता है तो वो पानी बिल्कुल गर्म हो जाता है, और जब गर्म पानी पौधों की जड़ों में जाता है तो वो पौधे जल जाते हैं, उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं, तो पौधे पे काफ़ी असर होता है। तो आप देख सकते हैं सुबह मॉर्निंग का टाइम है, और अभी हम यहाँ पर सिंचाई कर रहे हैं, तो इस अवस्था में आपको सिंचाई करनी है। मॉर्निंग या इवनिंग हो, और आपके पास नाइट में कर सकते हैं तो आप नाइट में पिला दें, या सुबह शाम के समय इसमें पानी छोड़ दें। जैसे ही आप पानी पिलाएंगे तो आप देखेंगे कि पौधे बिल्कुल ताज़े हो जाएंगे और पत्ते एकदम बिल्कुल अच्छे से ग्रो करने लगेंगे। और इसके बाद आपको फिर से जब पानी पिलाने के बाद अच्छे से सूख जाए, फिर 4-5 दिन बाद, तो फिर इसकी दूसरी निराई गुड़ाई करें आप, क्योंकि अभी जो निराई गुड़ाई फर्स्ट बार की है इसमें काफ़ी सारी खरपतवार छूट चुके हैं, तो एक बार फिर से इसकी निराई गुड़ाई करनी होगी। तो किसान भाइयों, सिंचाई का अंतराल आप देख सकते हैं कि काफ़ी गर्मी है, अप्रैल का महीना है, तो अप्रैल एंड होने वाला है, तो यहाँ पर टेम्परेचर 38 से 40 डिग्री तक हो जाता है दिन के धूप में, जब मध्याह्न के 12-1 बजते हैं उस समय, तो पौधों पे काफ़ी गर्मी होती है और पानी जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं गर्मी की वजह से,
तो आप देख सकते हैं 3 से 4 दिन के अंतराल पर इसको पानी पिलाना होता है। अगर पानी का अंतराल हम ज़्यादा रखेंगे तो पौधे हमारे अच्छे से ग्रो नहीं करेंगे और जो इनकी जो वृद्धि है वो कमज़ोर हो जाएगी। तो समय समय पर फसल को पानी पिलाएं गर्मी के अंदर, गर्मी में काफ़ी पानी चाहिए सब्जियों को, तभी हमारी सब्जियां अच्छे से ग्रो करेंगी। और थोड़ा कीटों के ऊपर भी आप ध्यान दें, निगरानी करें कि कहीं इसमें कोई मच्छर वगैरह या इल्ली वगैरह तो नहीं है। अगर हैं तो तुरंत आप विशेषज्ञों से सलाह लेके इसके ऊपर कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं, या आप स्प्रे नहीं करना चाहते तो फेरोमोन ट्रैप या प्रकाश फास आप ये लगा सकते हैं, जिससे भी कीटों की रक्षा हो सकती हैं। और आप अपने घर पे भी देसी जो फॉर्मूला है दवाई का वो आप बना सकते हैं, नीम खल या गौमूत्र इत्यादि से कीटनाशक तैयार कर सकते हैं, या आप जैविक दवाई भी मार्केट में अवेलेबल है वो भी ला के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा एक लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मिलिए हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।